भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आज पहली बार आमने सामने मुलाकात होगी, जिसके बाद मोदी क्वाड देशों की समिट में भी हिस्सा लेंगे। व्हाइट हाउस में हो रही मोदी बाइडेन की पहली मुलाकात कूटनीति और रक्षा दोनों के लिहाज से अहम है। मोदी बाइडेन के बीच इन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। अफगानिस्तान संकट, चीन का बढ़ता दखल, सीमा पार आतंकवाद, भारत अमेरिकी ग्लोबल पार्टनरशिप को बढ़ावा देने पर बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के बीच ट्रेड और निवेश संबंधों पर बातचीत हो सकती है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर, सामरिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन और इंडस्ट्री पर बातचीत हो सकती है। बाइडेन से मीटिंग के बाद मोदी क्वाड समिट का रुख करेंगे। ये भी उनकी पहली इन पर्सन मीटिंग होगी। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग चार देशों का समूह है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल हैं। 2017 में बने इस ग्रुप का उद्देश्य इंडो पैसिफिक के समुद्री रास्तों पर किसी भी देश, खासकर की चीन का दबदबा खत्म करना है। क्वाड देशों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के अलावा प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी मौजूद रहेंगे। चारों देशों के विदेश मंत्री और एनएसए भी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में कोविड-19, जलवायु परिवर्तन, नई तकनीक, साइबर स्पेस और इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मुक्त रखने जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा। वहीं वैक्सीन की रफ्तार तेज करने पर भी बात होगी। क्वाड में शामिल चारों देशों की चाइना से नहीं पटती। अगर भारत की बात करें तो हमारे लिए चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत स्ट्रैटेजिक चुनौती है। चीन हिंद महासागर में ट्रेड रूट्स पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और भी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर के ओरिजिनल सेक्शन से। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।